हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कबीर है और आज मैं बताऊंगा कि आप जोमेटो पे आइटम इमेजेस जो लगाते हैं वो अगर आप फोटोग्राफी नहीं करवा सकते हैं तो कैसे लगाएं, उस पर कैसे आपके पास फ़ोटोज़ आएंगे। एक तो आप अपने फ़ोन से खींच सकते हैं फ़ोटोज़, ठीक है, तब लगा सकते हैं। और दूसरा, आप कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करें जो फ़ोटो फ्री मिल जाए और आप लगा सकते हैं। ये फ़ोटो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ये फ़ोटो अभी मैं बताने वाला हूँ कहाँ से मिलेगा आपको। ये फ़ोटो आपने देख ही लिया है, कुछ और ये तो मैंने अपने फ़ोन से खींच के लगाए हुए हैं सारे ये, ठीक है। कुछ फ़ोटोज़ मैंने डाउनलोड करके भी लगाए हैं, जैसे कि एक मिनट थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए। कई बार ऐसा होता है हमने कोई फ़ोटो लगाया और लगाया ना वहाँ से, तो हमें ऐसा लगता है यार फेक सब कुछ बता दिया है। फेक नहीं बताऊंगा मैं आपको, फेक बताने का मतलब भी नहीं अपना, ओपन हो जाए। ये देख लीजिएगा ऑमलेट्स के ये फ़ोटो मैंने वहीं से डाउनलोड किया जहाँ मैं बताऊंगा आपको। और ये मैंने जो बंद रखा है इस पे फ़ोटोज़ मैंने नहीं लगा रखे हैं, ये तो मेरे खुद के फ़ोटोज़ मोबाइल से खींचे हुए हैं। ये भी मैंने बंद कर रखा है क्योंकि ये मैं यूज़ नहीं अभी कर रहा हूँ। ये बर्गर देख लीजिएगा जहाँ से मैंने डाउनलोड किया वहीं से मैं आपको बताऊँगा। ये बर्गर भी डाउनलोड किया है, ये मैंने फ़ोन से खींच के लगाया हुआ है। ये बर्गर भी मैंने डाउनलोड करके लगाया है, ये सैंडविच भी मैंने डाउनलोड करके लगाया है, ये मेरे खुद का बनाया हुआ है, ये भी डाउनलोड करके लगाया हुआ है। ये रैप जो भी दिख रहे हैं तो तीनों को मैंने डाउनलोड करके लगाया हुआ है। ये मैगी तो मैंने खुद बना के लगाया हुआ है अपने मोबाइल से, शेक सारे मेरे खुद के बने हुए हैं, खुद के नहीं, ये जो बड़े वाले जगमे हैं ये वाले, ये डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कहाँ से करना है। देखिए, आइटम इमेजेस लगाने के लिए या थंबनेल चेंज करने के लिए, जो आपकी प्रोफाइल आपके रेस्टोरेंट पे जो प्रोफाइल पिक्चर होती है उसको चेंज करने के लिए आपको जोमेटो मेल करना पड़ता है और हो जाता है चेंज। पर वो चेंज तब होता है जब आपकी फ़ोटो क्लियर होती है, जब आप फोटोग्राफी करवा के भेजते हैं तब। मोबाइल से भी अगर आपका फ़ोटो अच्छा खींचा हो तो वो चेंज हो जाता है और आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है फ़ोटो अगर लगवानी है या चेंज करवानी है या आइटम इमेजेस पे इमेजेस सेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले भरना है आपको फ्री फ़ोटो डाउनलोड, ठीक है। वेबसाइट ओपन हो रही है, ये वेबसाइट ओपन हो गई, इस पर क्लिक करिएगा, ये वाली पे अभी आ गया। यहाँ पे लिखिएगा बर्गर्स, ये फ़ोटोस आप देख रहे होंगे, ये फ़ोटोस मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसमें से मैंने सभी नहीं डाउनलोड किया था। चलिए एक फ़ोटो इसमें दिख गया, एक बर्गर हटा देते हैं, शायद कुछ और आ जाए। ये फ़ोटो भी मैंने आपको दिखाया था जिसका स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। ये फ़ोटो लग जाते हैं और इनको डाउनलोड करने से सिंपल से इस पर करेंगे आप क्लिक, डाउनलोड हो जाएगा। दिखा देता हूँ मैं कोई डाउनलोड करके जो मेरे पास डाउनलोड ना हो। ये फ़ोटो आपका नहीं लगेगा अगर इसको आप लगाना चाहेंगे तो, ठीक है। ये फ़ोटो आपका नहीं लगेगा अगर लगाना चाहेंगे, ये फ़ोटो आपका नहीं लगेगा लगाना चाहेंगे, ये फ़ोटो भी नहीं लगेगा। मैं बताता हूँ कौन सा फ़ोटो लगेगा इसमें से, ये फ़ोटो आपका 100% लग जाएगा। इसको हमने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड हो गया, ये देखिए डाउनलोडिंग लिख गया। ये फ़ोटो भी लग सकता है और ये तो हमने ऑलरेडी लगा ही रखा है, ये फ़ोटो भी लग सकता है, ये फ़ोटो भी लग सकता है, ये फ़ोटो भी लग सकता है। अभी देखिए जोमेटो का ऑर्डर बज रहा है तो मैं ऑर्डर पहले रिसीव कर लूँ। ठीक है, अभी ऑर्डर बनाने जा रहा हूँ, आपको फ़ोटो लगाना कैसे ये भी थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले अपना जोमेटो का डैशबोर्ड खोलना है, जैसे ये मैंने मोबाइल में अपने खोल लिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिस्टम सारा बना रखा है। ये देखिए ऑर्डर अभी आया है, ठीक है, वेरियस रेस्टोरेंट पे। आइटम में जिस पे जाना है पहले मेनू पे जाना है, उसके बाद रेस्टोरेंट सेलेक्ट करना है। रेस्टोरेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है मेनू एडिटिंग पे, ठीक है। ये आप कोई भी आइटम पे क्लिक कर लेंगे, जैसे मैंने लगा रखा है ऑलरेडी वेज क्लब पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद किसी पे क्लिक करते हैं, इधर आ जाएगा। ये देखिए
यहाँ पे इमेजेस लगे, ये फ़ोटोज़ के बने हुए हैं ना लोगों, इस पर क्लिक करेंगे सिंपली आपको आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा, आप इसमें लगा सकते हैं। और फ़ोटो जो लगाएंगे उससे पहले आप गैलरी में जाना, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप गैलरी में जाना। गैलरी में जाने के बाद आपको करना क्या है ये बता देता हूँ। जैसे ये फ़ोटो डाउनलोड किया है हमने जस्ट अभी तो किया था, इसको एक क्लिक करके देख लेना, बस इसको जूम करके देखना, अगर थोड़ा सा ब्लर लगे या कोई भी कमी लगे तो उसको मत लगाइएगा, ये सभी फ़ोटो लग जाएंगे। ये फ़ोटो नहीं लगेगा, ये फ़ोटो लग सकता है, ये फ़ोटो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, मेरे रेस्टोरेंट पे सर्च करेंगे चाय या ब्रेड पे तो ये मिल जाएगा। ये फ़ोटो भी मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, वहीं से डाउनलोड किया था। ये बॉडी ये भी मैंने लगा रखा है ऑमलेट का, ये भी डाउनलोड किया था मैंने। ये कितने फ़ोटोज़ मैंने, ये कुछ ऑलमोस्ट डाउनलोड कर लिया मैंने, सभी लगा रखा है फ़ोटोज़। ठीक है, वीडियो हो गया कंप्लीट, और आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को।